सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि आप जो है कैसे जो है अंडरग्राउंड पाइपिंग की जो है वो निशान लगा सकते हैं और कैसे जो है इसको आप मुकम्मल प्रॉपर तरीके से अंडरग्राउंड वायरिंग कर सकते हैं विद इसका ड्रेन पाइप, वाटर ड्रेन पाइप। यहाँ पर आप देखेंगे तो चौक से एक आप जो है वाइट निशान देखेंगे जो कि राइट साइड पर नीचे की तरफ एक लाइन आ रही है, ये वाली। ओके, ये हमने ड्रेन की सिलेक्ट की है। यहाँ से जो है राइट तरफ बाहर सीधी हमारी निकल जाएगी, बाहर गली वाली साइड पर आ जाएगी और वहाँ से हम जो है किसी भी जगह पर पानी वेस्ट पे इसको डाल देंगे। तो मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप ग्राइंडर जो है ग्राइंडर मशीन जिसे हम बोलते हैं, ओके, कटिंग ग्राइंडर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपने नॉर्मली ऐसे देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा जो PVC ऐसी इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाइट पाइप जो है वो अंडरग्राउंड किए हुए हैं। तो इसी के साथ ही आप एयर कंडीशनर की जो है कटिंग कर सकते हैं ताकि इसमें जो है हम पाइप की जगह बना सकें। बहुत ही आसान है, ओके, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको जो है कट लगाना होता है दोनों तरफ और बिल्कुल मतलब आपने निशान लगाया होगा तो आपको काफ़ी इजी होगा, आप उस निशान पर चलते जाएंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। निशान नहीं लगा होगा तो आपका आइडिया थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर गलत हो जाएगा, मतलब लाइन टेढ़ी ही हो सकती है। अभी सेंटर में जो मतलब ईंट बच गई वो उसको हम जो है आसानी के साथ जो है निकालने की कोशिश करेंगे। हैमरिंग और चिजल के साथ हम जो है इसको निकालेंगे, काफ़ी आसानी से ये निकल जाती है क्योंकि हमने जो है पहले इसको कटिंग कर दी है। अगर कटिंग ना की होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होगा। अब ये ड्रेन की लाइन है, ओके, ड्रेन की लाइन हमने यहाँ पर रखी हुई है राइट साइड पर, ओके, और लेफ्ट साइड पर जो अभी हमने ऊपर एक होल किया है वो ऊपर से पाइप आएगा इसका नीचे और नीचे से राइट साइड पर हो जाएगा इंडोर यूनिट की, यानी कि नीचे आ जाएगा। मैं टोटली आपको पाइपिंग ये भी अभी करके दिखाऊंगा जिससे आपको मतलब प्रॉपर अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप जो है इसकी वायरिंग जो है वो कर सकते हैं, पाइपिंग कर सकते हैं, पाइपिंग अंडरग्राउंड कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुका है, ओके, यहाँ से हमने राइड करना है। इस ड्रेन और इस पाइप के दरमियान में जो गैप है वो तकरीबन 30 इंच का आप रख सकते हैं। डेढ़ टन का यूनिट यहाँ पर नॉर्मली लगेगा तो डेढ़ टन का मैक्सिमम अगर लगे तो आप सेंटर में 30 इंच का गैप रख सकते हैं। और ड्रेन का पाइप नीचे ज़रूर इसलिए हमने रखा है क्योंकि वो तो नीचे से ही हमने जो है AC के नीचे से ही हमने देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अभी हमने इसकी पाइपिंग करनी है टोटली, वो ऊपर आप लास्ट में होल देख सकते हैं तो वहाँ पर जो है आप पाइप बाहर निकालेंगे आउटडोर यूनिट के लिए, ऊपर ऊपर से आएगा और जो लेफ्ट साइड पर हमने ये लाइन होल की है कटिंग की है इसमें आकर और यहाँ से राइट साइड पर हम इसको बेंड कर देंगे। यहाँ पर ड्रेन की पाइपिंग तो हमने सिंपल कर दी है डायरेक्ट ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और अब हम करने जा रहे हैं ये हमने पाइप जो है वो रेडी कर दिया है वायर के साथ आधी क्वार्टर का, ओके, तो ये हमने यहाँ से आसानी के साथ बाहर निकाल देना है आउटडोर यूनिट की तरफ, मतलब जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से ईजी लग रहा था कि बाहर से हम आसानी से अंदर की तरफ पाइप डाल सकते हैं तो वहाँ से डालें। अब यहाँ पर आपको पैमाइश करनी है कि आपको बेंड कहाँ पर देना है, मतलब कि आपको जो है तकरीबन यहाँ पर अभी हम इसकी टोटली पैमाइश करके इसको जो है बेंड देंगे ऊपर से जो नीचे होल में ही आएगा। तो वो बेंड की पैमाइश क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि ताकि हम नीचे हमें एक्स्ट्रा पाइप जो AC के नीचे आना है वो भी हमें चाहिए। तो मैक्सिमम डेढ़ फिट जो है वो हमें लाजमी से चाहिए पाइप, डेढ़ से दो फिट अगर आपके पास होता है तो वो आप आसानी से इसमें ज़रूर रखें। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो रखना क्यों है और कैसे आपको जो है वो वहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर ऊपर से बेंड तो हम सिंपल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नीचे की तरफ अगर बेंड करें और वो लाइन जो है जो हमने कटिंग की है उसके अंदर ही ये बैठ जाए और ऊपर से प्लास्टर वगैरह बाद में हो जाएगा और ये यहाँ से नज़र नहीं आएगा। ऊपर जो है हमने ओपन इसलिए रखा है क्योंकि ऊपर से जो है सीलिंग हो जाएगी तो इसलिए हमें जो है थोड़ा सा हमारा जो है वो टाइम और मेहनत भी बच गई। अगर सीलिंग वगैरह ना करनी होती तो हमें ये भी जो है डायरेक्ट जो है जो होल की तरफ गया है ऊपर से राइट साइड वो थोड़ा सा नीचे रखकर ही, मतलब कि हमें जो है इसकी दीवार में ही जो है कटिंग करके उसमें बिठाकर ही हमें इसको लेकर जाना पड़ना था। लेकिन काफ़ी अच्छा हुआ कि हमें ऊपर सीलिंग करनी है, उन्होंने जिनका घर है उन्होंने सीलिंग करनी है तो जाहिर सी बात है ऊपर ये छुप जाएगा पाइप तो काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो है इसको हम आप देख सकते हैं इसको होल में जहाँ पर कटिंग की गई है वहाँ पर हमने बैठा दिया है, ओके, वहाँ पर आप एक कोई क्लैंप लगा दें, मतलब छोटा सा एक सुराख करके आप वहाँ पर गट्टी पेच लगा दें उसके ऊपर जो है आप वायर बांध दें जो कि आप दोनों तरफ से वायर को ओपन करें और पाइप को बिठाकर दोनों तरफ से ऊपर से इसको ग्रिप कर दें, ओके। अब यहाँ से हम बेंड ऊपर की तरफ उठा रहे हैं इसलिए कि ऊपर उठाकर हम बाद में इसको राइट साइड पर जो है
कर देंगे तो राइट साइड पर करने से ये होगा कि हमारा जब एयर कंडीशनर इसके ऊपर लगेगा तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो है हमारे एयर कंडीशनर की पाइपिंग जो है वो आती है हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, और इसको हमने यहाँ से कर दिया है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो मतलब दोनों जो है आमने सामने आ जाएंगे और हम आसानी से उसका साइज़ के हिसाब से जो है कटिंग कर सकेंगे पाइप की, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो मतलब कि अब आपको जो है मैं कोशिश करूंगा कि एयर कंडीशनर इंस्टॉल जब किया जाए ऐसी लोकेशन पर तो वो भी वीडियो बनाऊं, मतलब कि वो वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पाइपिंग इस तरह से क्यों की गई है और इस तरह की पाइपिंग के ऊपर जो है वो एसी किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका पाइप का साइज़ वगैरह लेकर नीचे जो है आपको फ्लेयर वगैरह कैसे बनाने हैं और कैसे आपको जो है ये कम्प्लीट काम करना है, ड्रेन वगैरह कैसे एडजस्ट करनी है, तो वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही बना दूंगा। ओके, यहाँ पर भी मैं इसको वायर के साथ ग्रिप कर दूंगा, नीचे मैंने स्क्रू यहाँ कह लें कि मैं कील के साथ इसको बांध दिया है वहाँ पर, तो ऊपर से उसको मैंने लगा दिया ताकि पाइप हिले ना, और ऊपर छत के साथ आप इसको क्लैंप कर सकते हैं या फिर इसी तरह जो है ग्रिप किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। अभी आप प्रॉपर इसका व्यू अगर देखें तो इस तरह से हमारी जो है यहाँ पर ये पाइप इंस्टॉल हमने किया है, अंडरग्राउंड पाइप हमने इस तरह से कुछ किया है, राइट साइड से बाहर चला गया है और बाहर से जो है आपको आउटडोर यूनिट की स्पेस बनानी होती है, और आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी अच्छा खासा पाइप आ चुका है और यहाँ पर अभी जो है काम चल रहा है, तो जब काम वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है हम आउटडोर यूनिट की जो है जगह हमने पहले से ही देख ली है, तो लेफ्ट या राइट आप पाइप के हिसाब से जहाँ पर आपको ईजी लगे वो आप आउटडोर यूनिट की जगह बना सकते हैं स्टैंड ब्रैकेट वगैरह लगा कर। ओके, और ड्रेन अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ड्रेन जो है हमने ऊपर एल्बो लगाकर छोड़ दी है और नीचे सीधी और नीचे से हमने एल्बो लगाकर ओके तो हमने इसको भी बाहर निकाल दिया है, तो मतलब ड्रेन का तो बहुत ही ईजी था, हमने बाहर निकाल दिया है। ओके, बाहर से हम जो है इसको कहीं भी यानी कि छोड़ देंगे जहाँ पर जो है पानी वगैरह जो है वेस्ट ऑप्शन रखी होगी तो वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो कि एसी फील्ड का हिस्सा है, और अगर आपको इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।